ही एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी हम अपने गार्डन के एक बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से दिन रात महकने वाले इजी टू ग्रो लो मेंटेनेंस वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे। वो है हमारा मधुकामिनी। मधुकामिनी को हम ऑरेंज जैस्मिन या चाइनीज बॉस के नाम से भी जानते हैं। वास्तु के अनुसार तो ये प्लांट ना घर में लगाना बहुत अच्छा होता है, महकता भी है और अच्छा भी होता है, और ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। इसे आप सीड्स से लगाइए, कटिंग से लगाइए, और या तो नर्सरी से ला के लगाइए। सीड्स की चिंता ना करिए, क्योंकि सीड्स इसके ऊपर लगते हैं, पहले ग्रीन होते हैं, फिर वो रेड हो जाते हैं पकने के बाद, उसके बाद उसे आप ग्रो कर सकते हो। तो हुई ना इजी टू ग्रो लो मेंटेन वाली बात। आप इसे गमले में लगाइए चाहे धरती में लगाइए, तो ये ज़मीन के अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि मेरा प्लांट ज़मीन के अंदर लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। आप इसे मार्च में लगा लीजिए और पूरे साल अच्छे से फ्लावरिंग करता है, और मार्च से लेकर अक्टूबर तक तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इस पर। इसके फूल देख सकते हो आप, गुच्छों में लगते हैं, और ये अपनी खूबसूरती से पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे पॉलिनेटर्स आके बैठते हैं। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में लगाइए, क्योंकि ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और आपसे कोई ज़्यादा केयर नहीं लेता। केयर के लिए आप इसमें गुड़ाई कीजिए थोड़े टाइम में, इसमें 15-20 दिन में थोड़ा थोड़ा खाद दे दीजिए, और पानी तो नॉर्मली देना ही होता है प्लांट को, तो आप इस तरह से इसकी सेवा कर सकते हो। और इसकी जो हाइट है ना, 5-15 फीट तक बढ़ती है, और गमले में ये थोड़े छोटे रह जाते हैं, लेकिन ज़मीन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़मीन में शायद ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, तो आपके पास यदि जगह है तो इसे ज़मीन में ही लगाएं। ज़मीन में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो गमले के अंदर इस प्लांट को नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट आप लगाइए, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है, दिन रात महकने वाला प्लांट है। कहते हैं तीन फूल स्वर्ग से आए थे, जिसमें अपराजिता पारिजात, तो तीसरा हमारा बहुत सख्त खूबसूरत सा प्लांट मधुकामिनी प्लांट। तो ये अपने गार्डन में लगाइए और चार चांद लगाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय एवरीवन।